चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज कंप्रेसिबल फ्लूड का लेक्चर नंबर टू। कंप्रेसिबल फ्लूड का लेक्चर नंबर टू। टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं, पॉइंट स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रेशर, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर पल्स इन ए फ्लूड, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर पल्स इन ए फ्लूड। देख सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। ये क्या है, एक सिलेंडर है, ये क्या है सिलेंडर। इस सिलेंडर में एक हम लोग पिस्टन रहता है, ये क्या हो गया सिलेंडर हो गया। सिलेंडर में एक क्या किए हम लोग, पिस्टन ले लिए, पिस्टन लिए, और ये पिस्टन जो है अप डाउन करता है रिसिप्रोकेटिंग मोशन की तरह। और आप जानते भी हैं रिसिप्रोकेटिंग मोशन होता क्या है, चलिए उतना मुझे पता पढ़ना भी नहीं है यहां पर। और ये अप डाउन करता है, ये मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, एज्यूम करते हैं, एज्यूम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कितना है, सी है। और उसके अंदर जो प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर क्या है, पी है। और इनिशियल डेंसिटी क्या मानते हैं, रो है, ये क्या है इनिशियल डेंसिटी है। ये क्या है इनिशियल डेंसिटी है। और इनिशियल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया मानते हैं क्या हम लोग, ये लो। अब हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन को पुश करते हैं फॉरवर्ड की ओर, मींस इनर की ओर। तो हम लोग कह सकते हैं पिस्टन, पिस्टन पुश्ड इनटू इनर डायरेक्शन, पिस्टन पुश द इनर पार्ट। जब इनर पार्ट की ओर मूव करेगा, जो इसमें चार्ज पार्टिकल्स है उसका डेंसिटी क्या होगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। जैसे एज्यूम लेते हैं जब पुश करेंगे हम लोग, तो आपका पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, पिस्टन ये हो गया, ये क्या हो गया पिस्टन हो गया, सॉरी ये मानते क्या है, ये पिस्टन हो गया। और यहां से यहां लेंथ मानते कितना हम लोग हैं, एल मानते हैं इनिशियल लेंथ, लेंथ कितना मानते हैं, एल मानते हैं। अब ये पिस्टन गया, फिर देखिए जैसे ही पिस्टन हम लोग पुश करेंगे इनर की ओर, तो आप कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल सी बात है, रिलेटिव वेलोसिटी यहां निकालेंगे। एक पहले से वेलोसिटी सी था, अब थोड़ा सा पिस्टन को मूव करेंगे उसमें वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, और उसका वेलोसिटी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी इंटू डी, मीन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं वेलोसिटी को, क्या होगा सी इंटू डी। और फाइनल डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो था डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, थोड़ा सा डेंसिटी इसलिए इंक्रीज करता है, देखते हैं डी रो बोलते हैं। और फाइनल प्रेशर हम लोग एज्यूम करते हैं पी प्लस डी,
पी हो जाएगा। ये हो गया क्या फाइनल प्रेशर। और फाइनल लेंथ क्या होगा, फाइनल लेंथ क्या होगा, मींस यहां से ये लेंथ क्या हो जाएगा, सवाल ये है। तो देखिए लेंथ निकालने का दो कंसेप्ट, बहुत सारा कंसेप्ट, देखिए क्या निकालेंगे हम लोग जानते भी हैं क्या, कि सी सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। जब वेलोसिटी होगा तो सिंपल सी बात है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होगा। कौन सा डिस्टेंस होगा, जो पिस्टन जहां तक मूव कर रही है वो डिस्टेंस होगा, या साउंड जहां तक मूव कर रही है वो डिस्टेंस होगा। तो सिंपल सी बात है साउंड, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो साउंड जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस लेंगे। और थोड़ा सा भी पिस्टन इनर की ओर मूव करता है तो उसका साउंड जो है एट द एंड पॉइंट ऑफ बॉटम तक पहुंच जाएगा। तो यह बोल सकते हैं टोटल लेंथ हो गया एल, और पिस्टन कुछ समय के लिए ही अंदर गया तो वहां लोग डी टी मान लेते हैं। तो यह कह सकते हैं L बराबर क्या होगा, C इंटू डी टी हो जाएगा, ये आप कह सकते हैं। तो ये फाइनल लेंथ नहीं हुआ, ये L हो गया C इंटू डी टी। कौन सा L हो गया, ये L कितना होगा, L पहले देखिए L था अब घट जाएगा, तो कितना घटा, C इंटू डी टी घटा, तो क्या कहेंगे हम लोग L माइनस क्या होगा सी इंटू डी टी हो जाएगा, नहीं होगा सी इंटू डी टी हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये फाइनल क्या हो गया, लेंथ हो गया आपका। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये लेंथ हो गया आपका। देख अब हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए अब हम लोग देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, इसमें लगाते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट। देखिए इसको फाइनल लेंथ हम लोग तत्काल अभी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल हो गया। तो इसमें हम लोग मानते हैं वेरी स्मॉल टाइम के लिए ही पिस्टन जाता है ना, वेरी स्मॉल टाइम के लिए होता है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, बहुत ही पिस्टन अंत कम जाएगा। जब वेरी स्मॉल के वेरी स्मॉल टाइम के लिए कुछ समय के लिए पिस्टन क्या होता है, अंदर क्या जाता है, तो वह बोल सकते हैं क्या हम लोग भी बराबर क्या थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। तो यह मान लीजिए इनिशियल पॉइंट आपका ये था, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया, यह क्या हो गया dx हो गया, तो dx बाय स्मॉल टाइम d। तो यहां लिख सकते हैं क्या dx बराबर v इंटू डी टी, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ा, क्योंकि सिंपल सी बात देखिए है क्या बात है, ये जब पिस्टन हम लोग का इनिशियल पॉइंट पे था उस समय जितना मास होगा, और पिस्टन जब अंदर की ओर मूव के तो दोनों मास क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यह कह सकते हैं मास इनिशियल इक्वल टू होगा मास क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा,
आप जानते भी है। तो मास है तो इनिशियल है, डेंसिटी लेंगे इनिशियल और वॉल्यूम लेंगे हम लोग क्या इनिशियल इक्वल टू, डेंसिटी लेंगे हम लोग क्या फाइनल और वॉल्यूम लेंगे हम लोग क्या फाइनल वॉल्यूम लेंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी इनिशियल क्या था रो था, देखिए माने हैं रो, और वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ये हो जाएगा। और फाइनल डेंसिटी क्या हो जाएगा रो इनटू डी रो हो जाएगा। और लेंथ में चेंजिंग क्या होगा सिंपल सी बात है, ये हम लोग का क्या था इतना चेंज आ रहा था ना था, ये चेंज हो रहा था कुछ समय के लिए हुआ था ना, जब कुछ समय के लिए वेलोसिटी चेंज हुआ था तो यहां बोल सकते हैं डी एक्स बराबर क्या थोड़ा सा लेंथ लिए तो स्मॉल इंटू डी टी हो सकता है। क्यों ये हो गया एक्चुअल देखिए हम लोग निकाले क्या है, हम लोग निकाले हैं भी बराबर डी एक्स बराबर क्या भी इंटू डी टी, लेकिन क्या है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी के लिए ये कंडीशन है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी स्मॉल डी हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा। तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा टोटल लेंथ है एल घट गया डी एक्स, डी एक्स मीन्स क्या बोल सकते हैं एल माइनस डी यू इंटू डी टी, इसको वैल्यू पुट कर दिए क्या हो जाएगा लेंथ ये हो जाएगा एल माइनस डी यू इंटू डी टी और इंटू हो जाएगा कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज ही होगा, यही कहलाता है क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखिए ये एरिया और ये एरिया कट गया बच गया क्या रो इंटू एल बराबर रो प्लस डी रो इंटू एल माइनस डी यू इंटू डी टी ये बोल सकते हैं। अब लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग सिंपल सी बात है सी बराबर क्या होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड है, साउंड के द्वारा ट्रेवल की गई टोटल डिस्टेंस वो क्या है एल है, कितना टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है स्मॉल टाइम के लिए डी टी, तो यहां एल बराबर सी इंटू डी टी पुट कर सकते हैं। तो अब एल का मान पुट कर सकते हैं रो इंटू एल बराबर रो प्लस डी रो इंटू एल बोलेंगे क्या हम लोग सी इंटू डी टी माइनस डी यू इंटू डी टी ये बोल देंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या यहां भी एल का वैल्यू पुट कर देंगे रो इंटू सी इंटू डी टी बराबर रो प्लस डी रो, यहां डी टी को माना जाएगा सी माइनस डी यू इंटू डी टी और ये डी टी और ये डी टी कट जाएगा तो बचेगा क्या रो इंटू सी बराबर रो प्लस डी रो इंटू सी माइनस डी यू ये कर देंगे। देखिए आगे हम देखते क्या है रो इंटू सी बराबर चलिए वेल्यू क्या दिया हुआ है देखिए रो प्लस डी रो और दिया हुआ है क्या सी इंटू डी यू सी इंटू डी यू ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद रो इंटू सी बराबर रो सी प्लस सी इंटू डी रो माइनस रो इंटू डी यू माइनस क्या हो जाएगा डी रो इंटू डी यू ये दोनों आपस में क्या होगा कर जाएगा तो ये बन जाएगा क्या और ये वैल्यू क्या होगा जीरो हो जाएगा ना, क्यों जीरो होगा क्योंकि डी यू एक खुद स्मॉल क्वांटिटी है, डी यू क्या है एक स्मॉल क्वांटिटी है और डी
रो क्या है, ये भी आपका स्मॉल क्वांटिटी है। जब टू स्मॉल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी बन जाता है। इसलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या, जीरो। तो यहां लिखते हैं क्या, सी इंटू डी रो माइनस रो इंटू डी यू बराबर क्या, जीरो। यहां लिखते हैं क्या, रो इंटू डी यू बराबर सी इंटू डी रो। अब इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे। अब यहां लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। ये लगाते हैं। देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, आप जानते भी हैं क्या, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये बच्चा आप रहे होंगे। मोमेंटम क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां मोमेंटम जस्ट लाइक ए फोर्स है, तो यहां बोल सकते हैं फोर्स नेट माइनस एम डॉट इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहां पे एम डॉट क्यों लिए, क्योंकि मोमेंटम जो लेना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेना है। जब रेट आ गया पर सेकेंड रहेगा, और पर सेकेंड को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में या कंप्रेसर फ्लो में हम लोग क्या मानते हैं, एम डॉट से बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं एम डॉट बराबर क्या होता है, डी एम बाय डी टी, एम बाय टी, ये होता है एम डॉट, ये बोलते हैं। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, एफ नेट हो गया, तो यह कौन सा फोर्स लेंगे, सिंपल सी बात है, ये जो फोर्स लेंगे ये प्रेशर फोर्स लेंगे, ये क्या लेंगे, ये प्रेशर फोर्स लेंगे, और क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब प्रेशर फोर्स क्यों लेंगे, क्योंकि पिस्टन के अंदर जो है, सॉरी सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन क्या पुश करता है, जिससे प्रेशर इंक्रीज करता है। तो कहने में इस क्या है कि हम लोग का इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर फोर्स माइनस फाइनल प्रेशर फोर्स, यह बोल सकते इनिशियल प्रेशर फोर्स माइनस फाइनल प्रेशर फोर्स, वो बराबर होगा एम डॉट वी एफ माइनस वी आई का, ये हो जाएगा। आप देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रेशर फोर्स बराबर क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रेशर बाय क्या, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स बराबर क्या, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां बोल सकते हैं इनिशियल प्रेशर इनटू एरिया माइनस फाइनल प्रेशर डीपी था इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, बराबर क्या, मास क्या होता जान रहे हैं आप, रो इनटू ए सी था, और फाइनल वेलोसिटी क्या था, सी माइनस डी यू, और इनिशियल क्या था, सी था। सी क्या है, पिस्टन का वेलोसिटी है, इनिशियल हम लोग मान चुके थे सी, तो फाइनल क्या निकाले थे, सी माइनस यू डी यू निकाले थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रो इंटू ए, देखिए ए सब में है, जब सब में है ए तो ए क्या है, कट जाएगा हम लोग का, तो ये बचेगा क्या, प्रेशर माइनस क्या, प्रेशर प्लस क्या, डीपी माइनस डीपी, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग का ये हो जाएगा क्या, रो सी, ये सी और सी कट गया, तो माइनस रो सी इंटू डी यू हो गया, ये दोनों कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तुम लिखते माइनस पी डी पी बराबर माइनस पी इंटू सी इंटू डी यू, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां लिखते हैं डी पी बराबर रो सी डी यू, ये हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो यह इसी बोलते हैं रो इंटू डी यू,
बराबर डी पी इंटू डिवाइड बाय सी, ये सी क्या है नीचे की ओर है। अब इसको इक्वेशन मानते क्या बी, अब देखिए इक्वेशन फ्रॉम ए और बी से क्या निकल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड बी से देखिए क्या निकल जाएगा हम लोग का इक्वेशन, ये निकल जाएगा क्या, ये देखिए दोनों बराबर है रो इंटू डी यू, रो इंटू डी यू, रो डी यू की जगह हम लोग कर सकते हैं क्या डीपी बटे सी बराबर सी इंटू डी रो, ऐसा कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा क्या डीपी बाय डी रो बराबर क्या सी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। ये कौन सा प्रोसेस में है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में, आइसेंट्रोपिक मीन्स क्या एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस में, तो ये हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, वी नो क्या जानते हैं डीपी बाय डी रो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में गामा आर टी होता है, तो डी यहां से क्या निकल जाएगा क्या सी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर डीपी बाय डी रो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो ये क्या हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट गामा आर टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या कंडीशन है, देखिए ये जो इक्वेशन निकाले ये इक्वेशन कैसे निकाले हैं, कौन कौन सा प्रिंसिपल हम लोग लगाए हैं, ये इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो इक्वेशन को यूज किए हैं वो यूज किए हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आप कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज कैलकुलेटेड बाय, दिस इक्वेशन इज कैलकुलेटेड बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, ये दोनों का हेल्प लेकर, इस दोनों इक्वेशन का हेल्प लेकर हम लोग क्या निकाले हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाले हैं, वो क्या होता है सी इक्वल टू रो गामा रो आर टी रूट अंडर। तो अब आर का मान हम लोग क्या लेंगे 287 लेंगे जूल पर